हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे बोया कंपनी का जो माइक है उसके बारे में दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे आज हमारे ऐसे भाई हैं जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब देखते हैं या यूट्यूब से जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे कि दोस्तों बोया कंपनी का जो माइक है, मैं ख़रीदा था लेकिन दोस्तों उसमें कैसे पता चलेगा कि बोया कंपनी का जो माइक है वो नकली होता है और असली होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। तो दोस्तों बोया कंपनी का माइक जो था वो मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। अगर आप हमारे चैनल को देखते हों तो दोस्तों मैं वीडियो भी बनाया हूँ इस पर, आप जाकर जरूर देख लेना ताकि अगर आपको ज़रूरी पड़ेगा तो वो कंपनी का माइक ख़रीदना ज़रूर। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि वो बोया कंपनी का माइक हमने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था लेकिन दोस्तों जब लाने के बाद हम अनबॉक्सिंग भी कर दिए दोस्तों, लेकिन जब यूट्यूब पे फिर से देखे तो दोस्तों लगेगा कि एकदम ओरिजिनल है लेकिन दोस्तों पता चला कि वो फेक था, नकली था दोस्तों। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि आप भी, हमारे ऐसे कई दोस्त हैं जो बोया कंपनी का माइक मंगा लेंगे यूट्यूब से देख के या कहीं से भी देख के, तो दोस्तों वो नकली आ जाएगा, ज़्यादातर यही होता है। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि हम अनबॉक्सिंग किए हैं उसको आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरा फिर दोस्तों पैसा फंस गया था क्योंकि वो हमने फिर रिटर्न करवाया, तो आप सभी जानते हैं कि फ़्लिपकार्ट का पॉलिसी है रिटर्न का, तो वो पैसा आपको नहीं देगा, वो फ़्लिपकार्ट में ही उसका अपना होता है, उसमें अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों वो पैसे तो फिर आ गया लेकिन पैसे आप निकाल नहीं सकते हैं, आपको फिर फ़्लिपकार्ट से ही आपको कुछ ना कुछ सामान को ख़रीदना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर से मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा और पता किया कि कौन सा ओरिजिनल और कौन सा नकली है बोया कंपनी का माइक, तो दोस्तों पता चला कि कौन सा नकली है और कौन सा ओरिजिनल है। तो दोस्तों मैं फिर से ओरिजिनल वाले को मैं ऑनलाइन किया हूँ दोस्तों, और वो बहुत जल्द आएगा तब मैं उसका अनबॉक्सिंग करूँगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो में जा कर के वो ज़रूर देख ले कि वो नकली है, क्या पहचान है, मैं उसमें बताया हूँ। लेकिन दोस्तों आज अभी थोड़ी सी बात बता देता हूँ दोस्तों, सिर्फ एक बात अगर आप समझ गए तो कभी भी नहीं दोस्तों दिक्कतें आएंगी। जो बोया लिखा हुआ होगा दोस्तों, वो बोया जो लिखा रहेगा उसके डब्बा में, तो बोया लिखने के बाद उसको ऊपर में आर लिखा रहेगा और आर को घेरा लगाया हुआ रहेगा। दोस्तों ये बात सिर्फ आप समझ जाए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी आप गलती नकली माइक नहीं ख़रीद पाएंगे। तो दोस्तों हम नया आ रहा है मेरा 16 फरवरी को, मैसेज में लिखा है कि 16 फरवरी को आपको आ जाएगा। तो दोस्तों हम फिर उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, और आज बस यही बोलना चाह रहे थे दोस्तों कि हमारा फ़्लिपकार्ट से माइक आया था लेकिन नकली था। तो दोस्तों आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, और आज मैं इसी पर मैं वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों हम फिर अगले अपने वीडियो बनाने के लिए, हम आप सबके तक लाने के लिए दोस्तों हम तैयार हैं। और दोस्तों जो भी बोलने में दिक्कतें गलतियां होती है दोस्तों आप हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में फिर हम ब्लॉग बनाते हैं दोस्तों इस चैनल पे अक्षय सिंगर डांसर, और अगर आप हमारा डांस का मनोरंजन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे टूटा फूटा मस्ती चैनल है जहाँ पर 9000 सब्सक्राइबर्स हो गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं जा कर के। तो चलिए दोस्तों दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।